बाराकोट के प्रसिद्ध 5 दिवसीय लड़ीधूरा महोत्सव का विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने किया शुभारंभ। बता दें, लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट में 5 दिवसीय लड़ीधूरा महोत्सव का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने किया। इस दौरान विभिन्न गांवों से आई सैकड़ों महिलाओं ने आचालित परिधानों में भव्य कलश यात्रा निकाली। बता दें, झांकियों में स्कूली बच्चों के अलावा हिमाचल प्रदेश के नाटी नृत्य की झांकी, मध्य प्रदेश के बधाई नृत्य की झांकी और पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध हिल यात्रा लखिया भूत की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। छोलिया नृतकों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर रंग जमा दिया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 9 अक्टूबर को दो गांवों से निकलने वाली भव्य देव रथ यात्राएं होंगी। लड़ीधूरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी के दिशा निर्देशन में आयोजित महोत्सव का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने किया। उन्होंने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें, बाराकोट के छतरी तिराहे से रामलीला मंच तक महिलाओं ने आकर्षक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं खोल दे माता खोल भवानी, धार में केवार आदि मांगलिक गीत गाते हुए चल रही थी। अध्यक्ष जोशी ने बताया कि 9 अक्टूबर तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न शैक्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि रात्रि को देश के अलग अलग स्थानों की सांस्कृतिक टीमों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलश यात्रा के मंदिर में पहुंचने के बाद पुरोहित पंडित शिरोमणि जोशी द्वारा विभिन्न अनुष्ठान संपन्न कराए गए। वहीं इस मौके पर विजयनाथ गोस्वामी द्वारा विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया। कलश यात्रा में खोला सुनार, बाराकोट, परतोला, काकड़, पमदा, जिंडी, संतोला, धूरा आदि गांवों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। विकास खंड के ज्येष्ठ प्रमुख साहब, सम्मानित कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह अधिकारी जी, सम्मानित लोहाघाट से विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हुए मेरे साथी, सबसे पहले नगेंद्र जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ, मेरा घर है। मैं यहाँ जब हमने शुरुआत इसकी की थी, ललित वर्मा भाई हमारे आज स्वर्ग में हैं, वो हमारे साथ होते थे देहरादून। हम इसकी मांग करते थे कि इस मेले के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए, कुछ मदद वहां से हो जाए, परंतु आज वो हमारे बीच नहीं रहे। परंतु आपने जो संघर्ष किया, आपके साथ सम्मानित विद्वान गुरुजनों की टीमों ने जो आपको सहयोग किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको देता हूं, क्योंकि जो संघर्ष आपने किया वो स्मरणीय है। हम अपने रोज मज़ा का काम, अपने घर का काम सदा करते हैं, करते रहेंगे, सार्वजनिक है, इसलिए मैं आपको और आपकी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। लोहाघाट से लक्ष्मण बीस्ट की रिपोर्ट।